हेलो एवरीवन, आई मिस्टर वैभव तितर मारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस 24th लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बियरिंग मटेरियल। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned about the non-ferrous metal, that is aluminium. We have learned about the various properties and applications of aluminium. We also classified the aluminium alloys in four categories. We learned the properties, application and typical composition of duralium, hindalium, Y alloy and magnelium. I hope you all referred the notes and studied the topic very well. The learning outcomes are, after completion of this lecture, you are able to describe the properties and applications of bearing material, describe the composition and properties and applications of various bearing material. These are the program outcomes which are going to be achieved after completion of this lecture. दोस्तों, जैसे हम बेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो बेयरिंग मतलब क्या होता है, बेयरिंग का यूज क्या है, वो हमें पता रहना चाहिए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं बेयरिंग का यूज या बेयरिंग का मतलब क्या होता है। अ बेयरिंग इज अ मशीन पार्ट दैट कंस्ट्रेन रिलेटिव मोशन टू only the desired motion and reduce the friction between the moving parts. ये friction को कम करता है moving part के बीच में, और ये जो component है bearing, ये जो component है ये load को support करता है, बराबर है। The term bearing material is generally used to describe the special material used in plain bearing, that is bearing in which a load is transmitted between relatively moving parts by sliding contact. जहाँ पे sliding contact होता है, वहाँ पे हम bearing का use करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो animation दिख रहा है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से bearing काम करती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो bearing materials रहते हैं, उनमें क्या डिजायर्ड प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए, बेयरिंग मटेरियल में क्या आइडियल प्रॉपर्टीज रहनी चाहिए, वो हमें अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले बेयरिंग मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम रहना चाहिए। अगर फ्रिक्शन अगर कम होगा तो वहां पे पावर का लॉस बहुत कम होगा और हम ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। रेजिस्टेंस टू वियर, क्योंकि जब भी कोई बेयरिंग लगती है तो एक शाफ्ट के ऊपर लगेंगी, बेयरिंग जो रहेंगी, बेयरिंग अंदर रहेंगी, इसके ऊपर एक शाफ्ट लगेगा, तो इसका जो इनर पोर्शन है ये हर बार इसके कांटेक्ट में रहेगा। अगर ये कांटेक्ट में रहेगा तो यहाँ पे वियर एंड टियर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और वो खराब हो सकता है, इसलिए वियर रेजिस्टेंस बेयरिंग मटेरियल का काफी अच्छा रहना चाहिए। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी रहनी चाहिए। प्लास्टिसिटी टू एडजस्ट द बेयरिंग टू द शाफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड यूनिफॉर्मली, ये प्लास्टिक रहना चाहिए और इसने क्या करना चाहिए, बेयरिंग ने जो लोड आ रहा है उसके ऊपर उसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट सफिशियंट हाई रहना चाहिए, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई रहनी चाहिए। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का क्या यूज है, देखो बेटा जब भी कोई शाफ्ट बेयरिंग के अंदर बेयरिंग के ऊपर घूमेगा तो वहां पे मोशन होगी, मोशन होगी तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो वहां पे थर्मल स्ट्रेसेस आ सकते हैं, उसके कारण क्या होगा, वो मटेरियल खराब हो सकता है, इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए। इट शुड हैव गुड कास्टिंग क्वालिटीज, कास्टिंग क्वालिटीज मतलब बेयरिंग अगर कोई इंटीग्रेट टाइप ऑफ बेयरिंग रहा तो वो कास्ट करते हुए आना चाहिए। इसका मिनिमम श्रिंकेज रहना चाहिए, जब हम कास्टिंग करेंगे तो श्रिंकेज मतलब कास्टिंग करने के बाद जो ढांचा बनेगा उसका श्रिंक नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बेयरिंग बहुत बड़ी बन गई तो थोड़ी देर बाद देखें कि बेयरिंग छोटी हो गई, श्रिंक हो गई, ऐसा होना
नहीं चाहिए, नॉन कोरोजिव रहना चाहिए। नॉन कोरोजिव मतलब उसको जंग नहीं लगना चाहिए, इकोनॉमिकल रहना चाहिए, सबको अफोर्डेबल रहना चाहिए। लेट अस क्लासिफाई द बेयरिंग मटेरियल। द बेयरिंग मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज व्हाइट बेयरिंग मटेरियल, जिसको हम बैबिट्स बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लीड बेस बैबिट और टिन बेस बैबिट्स। दूसरा टाइप है कॉपर बेस बेयरिंग मटेरियल, इसमें हार्ड बेयरिंग ब्रॉन्ज, टिन ब्रॉन्ज, लीड ब्रॉन्ज और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ये कॉपर के बेसिक, इसमें क्योंकि इन ब्रॉन्जेस में जो बेयरिंग मटेरियल करके यूज होंगे उसमें कॉपर रहेगा। तीसरा है एल्युमिनियम बेस्ड बेयरिंग मटेरियल, और चौथा है नॉन मेटेलिक बेयरिंग मटेरियल। नॉन मेटेलिक में क्या क्या आएगा? फिर प्लास्टिक आएगा, है ना, रबर आएगा, कंपोजिट्स आएंगे, बराबर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बेयरिंग मटेरियल। तो वन बाय वन अभी हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं व्हाइट बेयरिंग मटेरियल, जिसका नाम है बैबिट्स। तो व्हाइट मेटल, इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाइट मेटल भी है, बैबिट्स भी है। तो व्हाइट मेटल जो है इसका नाम क्या है? बैबिट मेटल। तो बैबिट्स जो रहते हैं, ये कॉमनली कॉपर, टिन और एंटीमनी से बनते हैं, बराबर है। बैबिट मेटल में क्या क्या रहेगा? कॉपर, टिन एंड एंटीमनी। बैबिट जो रहते हैं वो टिन बेस भी रहते हैं या लीड बेस भी रहते हैं। जैसे अगर हम टिन बेस की बात करते हैं तो इसमें 80% टिन, 80% लीड रहेगा, 10% एंटीमनी रहेगा और 10% टिन रहेगा। तो लीड बेस में लीड ज्यादा रहेगा, ओके। अगर हम टिन बेस की बात कर रहे हैं तो 90% टिन, 5% एंटीमनी और 5% कॉपर रहेगा। तो टिपिकल कंपोजिशन आपने ध्यान में रखना है। टिन बेड बेस्ड बैबिट्स हैव बेटर कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू लीड बेस्ड। तो टिन बेस्ड अच्छे रहते हैं एज कंपेयर टू लीड बेस्ड, ओके, बट दीज आर कॉस्टली। लीड इज एडेड टू दिस बैबिट टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। और फिर हम उसमें क्या डालते हैं? लीड डालते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? कम जाती है। हाउएवर लीड डिक्रीजेस द लोड बेयरिंग एबिलिटी ऑफ दिस बेयरिंग। जैसे हम लीड डालेंगे, सस्ता मटेरियल हो जाएगा, तो लोड भी कम सहने सहेगा वो, बराबर है, कम लोड को बियर करेगा। कैमशाफ्ट बुशेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंजिन, कैमशाफ्ट की जो बुशेस है सभी इंजिन की, आर लीड बेस मटेरियल ड्यू टू देयर एक्सलेंट कंफर्टेबिलिटी। दिस बेयरिंग कंसिस्ट ऑफ स्टील बैकिंग विथ एन इंटर लेयर ऑफ कॉपर लीड एंड अ टिन टॉप लेयर ऑफ टिन अलॉय, लीड टिन अलॉय, ठीक है। तो इसमें लेयर्स रहेंगी इंटर लेयर कॉपर लीड की, और उसमें जो टॉप लेयर रहेगी वो लीड टिन की रहेगी। इफ द टॉप लेयर वेयर आउट द इंटर लेयर टेक केयर ऑफ द शाफ्ट। देखिए, जैसे ये बेयरिंग अगर है, बेयरिंग मटेरियल है, तो बीच की जो लेयर रहेगी, वो कॉपर लीड की रहेगी, और सबसे ऊपर की जो टॉप लेयर रहेगी वो लीड टीन की रहेगी। अगर ये ऊपर वाली लीड टीन की लेयर अगर खराब होगी तो अंदर वाली कॉपर लीड की जो लेयर रहेगी उसको बैकअप कर लेगी, बराबर है। अभी हम व्हाइट बेयरिंग मटेरियल या बैबिट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इनका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है एसिडिक ऑयल्स के मद्देनजर रखते हुए ये काफी अच्छा है। ऑयल, एसिड ऑयल का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद बैबिट पजेस एक्सेलेंट एम्बेडेबिलिटी एंड कंफर्टेबिलिटी, एम्बेडेड रहता है, कंफर्टेबल भी है। इट पजेस सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं नॉर्मल यूज में भी। इट इज इजी टू कास्ट एंड टू स्क्रैप टू ए गुड लिफ्ट। इसकी कास्टिंग करने के अच्छा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसकी हार्डनेस भी काफी अच्छी है। लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बैबिट्स। इट इज यूज एज अ बूश बेयरिंग टू सपोर्ट द रोटेटिंग शाफ्ट। ये बेयरिंग का काम ही है, सपोर्ट करना बेयरिंग शाफ्ट को। यूज इन टर्बाइन जनरेटर एंड कंप्रेसर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि टर्बाइन जनरेटर और कंप्रेसर में क्या यूज होता है, तो बैबिट्स यूज होते हैं, ओके। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिग पिस्टन इंजिन एंड गियर। बिग पिस्टन बनाना है हमको या गियर्स बनाने हैं, उसके लिए यूज होगा ये। शिप प्रपल्शन, मतलब यहाँ पे शिप्स में, जहाज में इसका यूज होता है।
वाइडली यूज फॉर लॉरी डीजल इंजन क्रैंकशाफ्ट। लॉरी डीजल इंजन मतलब बहुत बड़े वाले जो लॉरी है उसका जो डीजल इंजन है उसके क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए यूज होगा। और दोनों में क्या रहेगा? एंटीमनी रहेगा। दोनों में क्या रहेगा? एंटीमनी रहेगा। ओके, इट आल्सो यूज फॉर जनरल पर्पज हेवी बेरिंग। हेवी बेरिंग में भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी देखते हैं कि बेरिंग मटेरियल के बैबिट्स के क्या एप्लीकेशंस है। तो जैसे कि आपने देखा है कि इसका इस्तेमाल अपन बेरिंग बनाने के लिए करते हैं जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, बराबर है? तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बैबिट्स। अभी हम और एक कंसेप्ट देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय पोरस सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग। देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है और वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है कि हम वहां पे जाके लुब्रिकेशन दे, मतलब ऑयल वगैरह वहां पे दे ताकि वो सेफ रहे, उसका लुब्रिकेशन अच्छा रहे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग का यूज करते हैं। तो उसके बारे में अभी हम देखते हैं। दिस बेरिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम पोरस लुब्रिकेटिंग बेरिंग को बनाते हैं। पोरस जो बेरिंग्स रहती है वो कॉपर या आयरन से बनती है। बेस पाउडर विथ सच एज 40 to 50% पोरोसिटी। अभी बेस पाउडर मतलब क्या? अगर हम कॉपर को बेस मटेरियल बनते हैं तो कॉपर का पाउडर, अगर आयरन का बनाना चाहते हैं तो आयरन का पाउडर, उसको अपन क्या बोलते हैं? बेस पाउडर। तो उसमें पोरोसिटी कितनी रहनी चाहिए? 40 से 50। दिस प्रिवेंट अ डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर सोर्स फॉर लुब्रिकेशन। इसका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट को ये रोकते हैं और वहां पे हमको लुब्रिकेशन ऑयल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस पोरस बेरिंग्स वर इम्प्रेगनेटेड विद ऑयल पजेस प्रॉपर्टीज नोन एज सेल्फ लुब्रिकेशन। अभी इम्प्रेगनेटेड मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही उस बेरिंग के अंदर ऑयल भर के रखेंगे ताकि वो खुद खुद ही खुद उसको लुब्रिकेशन होता रहेगा। ड्यूरिंग द यूज ऑफ ऑयल फ्रॉम द पोर्स स्लोली कम आउट एंड फॉर्म लुब्रिकेटिंग फिल ऑन द मूविंग सरफेस। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये कोई एक बेरिंग है, ये पोरस है, मतलब यहाँ पे कैसे ऐसे गड्ढे गड्ढे रहेंगे, बराबर? यहाँ पे ऐसे होल्स रहेंगे, बराबर है? होल्स रहेंगे और इन होल्स के अंदर हमने क्या किया, पहले से इसको ऑयल के अंदर भरा हुआ रहेगा। जब ये घूमेगी, जब ये काम करने लगेगी, तो इसके अंदर का जो ऑयल है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कहाँ आएगा? बाहर आएगा। और इसके ऊपर क्या करेगा, एक फिल्म बनेगी, एक लेयर बनेगी जो हीट को ले लेगा, बराबर है? और लुब्रिकेशन अपने आप हो जाएगा। तो पोर्स मतलब क्या होता है? छिद्र, जो बारीक बारीक जो होल्स रहेंगे ना उसको हम पोर्स बोलते हैं, जो वहां से बाहर आ जाएंगे और जो हमारी बेरिंग है खुद ही खुद क्या हो जाएगी, लुब्रिकेट होती रहेंगी, खुद उसको अपने आप ही तेल देती रहेंगी, बराबर? When working is stopped, the oil goes back to the pores by capillary action. और जैसे working stop होगी, जैसे वो bearing में rotate होना बंद कर जाएगा, capillary action के through ये oil उस pores के अंदर, उस holes के अंदर वापस चले जाएंगे। They do not require any external lubrication. उसको बाहर से external lubrication देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? Self lubricating bearing. उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग बोलते हैं। और पोरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस बेरिंग में छोटे छोटे होल्स हैं, होल्स होने के कारण वह क्या बन रहे हैं, होल्स के कारण वो जो ऑयल है बाहर आता है और अंदर चला जाता है, बराबर है? सो दिस इज अबाउट पोरस सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग। तो कहाँ पे यूज होता है ये पोरस बेरिंग? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो गया, वहां पे ये बेरिंग्स का यूज होता है। जैसे आप अभी इमेजेस में देख रहे होंगे, पिक्चर में देख रहे होंगे कि पोरस बेरिंग किस टाइप के होल्स वहां पे रहते हैं और ऑयल को कैसे पकड़ के रखते हैं, बराबर? अभी कुछ नॉन फेरस अलॉयज जो है वो हमें फिर से पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले जो है सोल्डर, आपने सोल्डरिंग के बारे में देखा होगा, बराबर है? तो ये पेपर में आता है कि सोल्डर किसका अलॉय है। सो इट इज एन अलॉय ऑफ टीन एंड लीड। जन अलॉय ऑफ टीन, टीन मतलब SN और लीड मतलब PB ना, PB का ये अलॉय है सोल्डर, ओके, विच इज मेल्टेड यूजिंग हॉट आयरन। फिर अमालगम जो है, अमालगम एंड अलॉय दैट कंसिस्ट चीपली ऑफ सिल्वर मिक्स्ड विद मर्क्यूरी। अमालगम किसका अलॉय है? सिल्वर
सिल्वर विथ मर्क्यूरी, सिल्वर और मर्क्यूरी का अलॉय है विथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ अदर मेटल, दूसरे कुछ मेटल्स रहेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है डेंटल फिलिंग, अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, तो वह बनाने के लिए हम डेंटल फिलिंग करने के लिए अमालगम का यूज करते हैं, और अमालगम किसके बनता है, सिल्वर और मर्क्यूरी से बनता है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये बेटा। फिर ये नाइक्रोम, नाइक्रोम अ कॉमन नाइक्रोम अलॉय 80% निकेल रहेगा और 20% क्रोमियम, नाइक्रोम, नाइक्रोम मतलब निकेल और क्रोमियम, 80% निकेल 20% क्रोमियम। नाइक्रोम वायर प्रॉपर्टी मेक इट आइडियल फॉर यूज इन टोस्टर, टोस्ट बनाने के लिए, हेयर ड्रायर्स, स्टोरेज हीटर्स और इंडस्ट्रियल फर्नेसेस में नाइक्रोम का यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो लेयर है काफी अच्छा है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज वेरी गुड, दैट इज व्हाई टोस्टर हेयर ड्रायर्स में यहाँ पे हम इस नाइक्रोम का यूज करते हैं, जो कि निकेल और क्रोमियम का अलॉय है। फिर आता है हमारा चौथा वाला जो अलॉय है, दैट इज कॉन्स्टेंटन। तो कॉन्स्टेंटन ये निकेल और कॉपर का अलॉय है, निकेल और कॉपर का अलॉय है, कौन, कॉन्स्टेंटन, और इसकी हाई रेजिस्टिविटी है, और इसका यूज यूज है कॉन्स्टेंटन का बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोकपल बनाने के लिए। थर्मोकपल काहे के लिए यूज होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। थर्मोकपल काहे के लिए यूज होता है, थर्मोकपल यूज होता है टेम्परेचर गिनने के लिए, और वो बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंटन यूज करते हैं। इट हैज कॉन्स्टेंट रेजिस्टिविटी ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इसका रेजिस्टेंस का जो पावर है काफी अच्छा रहता है, इसलिए थर्मोकपल बनाने के लिए अपन कॉन्स्टेंटन का यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट नॉन फेरस अलॉय हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि डेल्टा मेटल किसका अलॉय है, तो डेल्टा मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन। कॉपर, जिंक और आयरन का ये मेटल जो अलॉय है उसे हम डेल्टा मेटल कहते हैं, और इसमें 55% जिंक, 55% कॉपर है, 41 से 43% जिंक है, और 1 से 3% आयरन है, बराबर है। तो कॉपर, जिंक और आयरन इसमें रहता है, 55% कॉपर, 41 से 43% जिंक रहेगा, और 1 से 3% आयरन रहता है। द प्रपोर्शन यूज मेक द मटेरियल हार्डर एंड सुटेबल फॉर वॉल एंड बेरिंग, वॉल और बेरिंग बनाने के लिए, वॉल और बेरिंग बनाने के लिए डेल्टा मेटल का यूज होता है। तो दीज आर द टिपिकल नॉन फेरस मेटल्स। ओके, सो यूनिट आउटकम अचीव्ड, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बेरिंग मटेरियल्स। लेट अस रिव्यू द टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर हमने पढ़ा था कि बेरिंग मटेरियल की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज रहती है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी रहती है, उसके बाद हमने बेरिंग मटेरियल को क्लासिफाई किया, उसके बाद हमने बैबिट मेटल के बारे में पढ़ा, उसके बाद सम हमने कुछ जो नॉन फेरस अलॉय थे जो इंपॉर्टेंट थे एज पर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, वो हमने पढ़ा हुआ है, और दीज आर द प्रोग्राम आउटकम्स दैट वी अचीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर। ये जो एमएसबीटी में हर बार पूछे गए क्वेश्चंस है, दीज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमएसबीटी। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5ों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नॉन मेटेलिक मटेरियल। ओके, सो दोस्तों यू ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।